बैयर थाना के अंतर्गत मुख्य रोड बमनी भाड़ा से मोगा रोड पर कार पलटने से युवक की मौके पर हुई मौत है। दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल, जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया भर्ती। शनिवार को नगर के बैयर रोड सरेका बाईपास स्थित डहाटे आटा चक्की के सामने मधुमक्खियों के झुंड ने रसोई गैस की टंकी ले जा रहे पिता पुत्र पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल सरेका निवासी पिता पुत्र को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बिरसा थाना के अंतर्गत दमोर रोड पर स्थित ग्राम केंडिया टोला में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, बिरसा के शासकीय अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर के वार्ड नंबर 10 मदरसा जामिया नूरिया में अजमत ए कुरान कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। कॉन्फ्रेंस में जामिया नूरिया सी तालीम पाने वाले 5 बच्चों को रविवार को दी जाएगी कुरान में सलाम। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ वार्षिक उत्सव का किया गया समापन। प्रतिभावान विद्यार्थियों को वितरित किए गए विभिन्न पुरस्कार। आयोग अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वित्तीय बजट की जमकर की तारीफ तो विपक्ष पर साधा निशाना। कहा 15 महीनों में क्यों नहीं किया विकास, साथ ही बजट को राम राज्य लाने वाला बजट बताया। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 8 चंदौरी में अज्ञात वाहन से आए चोरों ने 5 बकरियों की चोरी की। पीड़ित ने वाराणसी थाने में की शिकायत। पुलिस ने किया मुखबिर तंत्र को सक्रिय। लालबरा में रंगों के पर्व होली धूमधाम से मनाने के लिए ग्रामीण अंचलों के साथ साथ नगर मुख्यालय में भी जोरों से की जा रही है तैयारियां। शक्कर की चाशनी से बताशे की माला तैयार कर रहे कारीगर। रंगों के महापर्व होली को अनकरीब देखते हुए जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में शुरू हुई तैयारियां। पर्व विशेष को लेकर गुलजार हुआ बाजार। 20% तक महंगे हुए सामग्रियों के दाम। लालबरा में रबी की फसल का समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि हुई 10 मार्च। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। वाराणसी में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पेपर छूटने के बाद हाईवे मार्ग पर लग जाती है बच्चों की भीड़। हादसों को मिलता है खुला आमंत्रण। छात्र छात्राओं ने पुलिस से व्यवस्था बनाए जाने की मांग। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही आरोपी की 61 वर्षीय बुआ को भी न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अनकरीब होली के त्यौहार को देखते हुए यातायात पुलिस ने बसों की चेकिंग का छेड़ा अभियान। 9 बस और 1 ऑटो पर की गई कार्रवाई। 18,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। TLM उप संभाग बालाघाट में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लाइनमैन दिवस। विभिन्न कार्यक्रमों के किए गए आयोजन।